दोस्तों, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के सिलेबस 2023-24 को लेकर अपडेट यह है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यूजी एंड पीजी सिलेबस 2023-24 पर क्लिक करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये सब, ठीक है, कि जनरल हिंदी का सिलेबस जारी कर दिया है जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय वाला नहीं है, ठीक है, अलग है ये सिलेबस। ये साइंस वाले मैंने भाई चेक नहीं किए हैं, ठीक है, कि ये सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले हैं या नहीं हैं। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश का सिलेबस अलग है, सोशियोलॉजी का मैंने नहीं देखा, हिंदी लिटरेचर का मैंने नहीं देखा, और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस वही है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है दोस्तों। तो ये एक अपडेट है। तो जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है उसको तो आप वही पढ़ें, ठीक है, जो इसमें आया है इन पीडीएफ्स में। और जिनका सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस है वही देखना है और वही चेक करना है, वही पढ़ना है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर सिलेबस अपडेट होते जाएँ वैसे वैसे आपको जो है उन सिलेबसों को डाउनलोड कर लेना है और उसी के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो करनी है। और पेपर आपके जनवरी से पहले तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम कतई संभव नहीं है क्योंकि सिलेबस ही अभी तक तय नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आप पूछ रहे हो कि सर बुक्स, ठीक है, तो देखो जो नया सिलेबस आ रहा है उसके आधार पर बुक्स एग्जैक्ट आपको मिल जाएं सेमेस्टर वाइज सिलेबस अनुसार तो वो नहीं मिलेंगी, लेकिन सिलेबस वही पुराना रखा जा रहा है तो जो पहले बुक्स चलती थी वही आपके जो है काम आएंगी, ठीक है। अब इन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में क्या चलता है दोस्तों, आपने 11th 12th में संजीव पासबुक, एक्सीलेंट, रिफ्रेशर, इनके नाम सुने होंगे, ठीक है, बच्चे उनको बहुत पढ़ते हैं। उसी तरह से इन यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशंस में एक चलती है 1 वीक सीरीज, ठीक है दोस्तों। सभी बच्चे क्या करते थे, 1 वीक सीरीज लाते थे खरीद कर और उनको पढ़ लेते थे और उससे पास हो जाते थे, ठीक है दोस्तों। पर अब मार्केट में नई 1 वीक सीरीज आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि जब सिलेबस आ जाएगा तभी तो वो 1 वीक सीरीज वाले अपनी 1 वीक सीरीज छापेंगे, बनाएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप 2023-24 में जो एडमिशन लिया है उन सब के लिए थोड़ी सी मुश्किल है इस बार क्योंकि अगले साल से तो फिर सिस्टम सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस साल आपके लिए जो बुक्स हैं 1 वीक सीरीज हैं, देखो 1 वीक सीरीज भी कई कंपनियों की आती हैं, ठीक है, उन सब पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ब्रज, तो इस बात का ये नहीं है कि वो सब ब्रज कंपनी की हैं, नहीं, ब्रज का मतलब है विश्वविद्यालय वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कौन कौन सी कंपनी की आती है, तो एक तो राजा कंपनी की आती है, ठीक है, एक राजकुमार नाम से आती है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड के नाम से आती है, स्टैंडर्ड, और इस तरह से सुपर के नाम से आती हैं, सुपर के नाम से आती हैं, क्या चीज़, 1 वीक सीरीज, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो कि आप पुरानी 1 वीक सीरीज ले आओ या पुराना सिलेबस देखो और उसमें से मैच करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे जो हैं सेम मिल रहे हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपके सेम मिलते हैं उनको आप पढ़ लीजिए वहीं से। यदि कोई सिलेबस में टॉपिक एक्स से हैं जो आपने 11th 12th में पढ़े हैं या जो चैप्टर्स हैं जो 11th 12th में आपने पढ़े थे वही सेम बीए में है तो आप वहाँ से भी उसको कंटेंट को उठा करके पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी सिलेबस के अपडेट। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।